वेलकम टू माय चैनल डॉली लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी दुआ से हम लोग भी अच्छे हैं। अच्छे हैं। हाँ। आज तो आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, अलका मेरी फ्रेंड का नाम है, और मैं उससे बहुत दूर हूँ। वो धनबाद में है और मैं मुंबई में। तो पहले जब मैं धनबाद में रहती थी तो बर्थडे हम लोग सेलिब्रेशन करते थे साथ में, तो आज तो बहुत उसकी याद आ रही है, तो अभी तो जा नहीं सकती हूँ, तो मैंने छोटा सा उसके लिए सेलिब्रेशन रखा है। लगेगा, आई होप अलका तुमको अच्छा लगेगा ये सेलिब्रेशन देख के। छोटा सा मैंने सेलिब्रेट किया है तुम्हारे बर्थडे के लिए। और फ्रेंड्स अभी देखिए मैंने अलका का बर्थडे कैसे, एक मिनट। तो फ्रेंड्स आप भी देखिए मैं अपने फ्रेंड का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करती हूँ। तो बाबू अलका के, अलका मौसी का बर्थडे है आज ना, तो क्या बनाऊँ मैं? केक। क्या बनाऊँ? केक। केक कौन खाएगा? अलका मौसी। अलका मौसी केक खाएगी? तो बुलाई हो, वो आएगी इतने दूर से? नहीं बुलाई, क्यों नहीं आएंगी? बहुत दूर है। हाँ। केक बना के कौन केक कट करेगा? और गमोचे तो नहीं है, तो आप केक कट करोगी? हसो हसो हसो। तो फ्रेंड्स तो हम लोग किचन में चलते हैं, केक बनाते हैं, और मेरी केक को कौन कट करेगा? मेरी बाबू। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में और मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के लिए केक बनाने। तो आज मैं केक एकदम इजी केक बनाऊंगी, सिंपल केक, और यम्मी भी रहेगा। तो मैं फटाफट केक बनाऊंगी, फटाफट केक बनाई कर मैंने सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स लिया है, एक ओरियो बिस्किट और एक गिलास दूध, छोटा गिलास है। तो हम पहले मिक्सर ग्राइंडर में पहले हम ओरियो बिस्किट को पीसे हैं, दूध डाल के इसे मैंने अच्छे से बैटर बना लिया। केक का बैटर मेरा तैयार हो गया है, आप देखिए। अब इस तरह से जब चम्मच से उठाएंगे और इसे ड्रॉप करेंगे तो ये लेयर में गिरेगा, ये देखिए ऐसे। तो इसका मतलब है कि आपका बैटर सही है। इसे ना ज़्यादा हम सख्त गाढ़ा करेंगे और ना ही ज़्यादा पतला, हमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर ही मिक्सर ग्राइंडर को चलाना है। एक बार में दूध ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें और चलाएं। तो मैंने 10 मिनट के लिए पहले नमक और जाली रख दिया है कुकर में। 10 मिनट मैंने अच्छे से गर्म होने दिया है। और एक मैंने एक कटोरी में ऐसे पेपर लगा के ऑयल से ग्रीस करके मैंने सारा बैटर इस कटोरी में डाल दिया है। आप जैसे अपने केक का शेप चाहते हैं वैसे ही कटोरी ले लें। तो ये देखिए मैंने तैयार कर लिया और कुकर में इसे मैं डाल दी हूँ, ये देखिए। अब ये केक को मैं 20 मिनट के लिए कुक होने दूँगी। कुकर का ढक्कन और रबर निकाल देना है और वैसे कुकर लगा देना है। तो फ्रेंड्स 20 मिनट बाद मैंने अपने केक को चेक किया है टूथ पिन से। जब हमारा टूथ पिन एकदम क्लीन निकलेगा, इसमें केक नहीं चिपकेगा, तब से मुझे हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। और ये देखिए कितना अच्छी तरह से ये फूला है, बहुत स्पंजी बना है केक। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, गैस को हम ऑफ कर देंगे। तो हम अब गैस से कुकर से अपने केक को निकाल लिए हैं और इसे पूरे अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद हमें एक प्लेट में इसे ट्रांसफ़र करेंगे और इसका डेकोरेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे केक का लुक कितना अच्छा आया है, बहुत अच्छी तरह से पक गया है, एकदम स्पॉन्जी केक बना है, बहुत ही प्यारा। अब इसे मैं डेकोरेशन कर लूँगी। डेकोरेशन के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था, तो मैंने डार्क चॉकलेट को मेल्ट किया है। डार्क चॉकलेट को कैसे मेल्ट करते हैं इसका मैंने पहले भी आपको बता चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके देख लेना। साधना का बर्थडे पार्ट 2 में ये देखिए मैंने उसका डेकोरेशन कर दिया है। मैंने चॉकलेट को ऐसे स्प्रेड करके इसके ऊपर मैं चीनी को पीस कर मैंने उसका अलका का फर्स्ट लेटर ए लिखा है,
ये देखिए कितना प्यारा केक बन के आया है, बहुत अच्छा केक है। तो आप भी अपने घर में से ट्राई करें। और हम चल रहे हैं अब सेलिब्रेट करने, केक कटिंग करेंगे हम लोग। काटिए, चलिए काटिए काटिए, फूकिए। वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं फूका, जल्दी जल्दी फूको, जल्दी फूको, नहीं पूछा। अरे अरे, ए फिर जल गया होगा। बंटी आप बनाओ बनाओ, तो मैं जाऊं उसके साथ। ए जल गया। केक एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करना और बताना कैसा है। देखो बर्थडे हो गया, बर्थडे गर्ल बहुत दूर है हम लोग से। मैं कैसा है केक, कैसा है केक? मम्मी चॉकलेट, उसका मतलब भैया कैसा है केक? मेरा अच्छा केक है। हाँ फ्रेंड्स, मैंने छोटा सा सेलिब्रेशन किया अपने फ्रेंड्स के लिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दे, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलती हूँ आपसे एक अच्छे से नए से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।